हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इग्नेस गुरु एंड हली। और चल रहा है आपके वेस्ट एमसीक्यूज का सीरीज और ये है आपकी इस सीरीज का चैप्टर नंबर 3 उत्पादन तथा लागत। और इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 22 क्वेश्चंस मैं छांट कर लेके आया हूं जो किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट के 5 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसको मैंने लास्ट में रखा है, तो बने ही रहिएगा मेरे चैनल के साथ, लास्ट तक देखते रहिएगा वीडियो को। वेस्ट ईयर सास का चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 एमसीक्यूज उत्पादन लागत चैप्टर से। सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के बीच जो अभी तक अपने एग्जाम की तैयारी शुरू नहीं की है, ठीक है ना। चलिए फालतू की बकवास ना करते हुए डायरेक्ट हम मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, यानी कि उत्पादन फलन क्या होता है। उत्पादन फलन का एक भौतिक संबंध होता है, अब वो किसके साथ होता है। ऑप्शन दिया हुआ है कीमत का, उत्पत्ति के साधनों का, कुल व्यय का, इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन फलन के बारे में मैं आपको बता दूं, उत्पादन फलन उत्पादन यानी कि उत्पादन और उपादानों के बीच के भौतिक संबंध को बोलते हैं। और उपादान किसको बोलते हैं, उपादान कहते हैं उत्पत्ति के साधनों को। यानी कि आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, उत्पत्ति के साधनों का, ठीक है ना। दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण क्या है। उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण क्या है। और मैं उत्पत्ति ह्रास नियम के बारे में बता दूं, उत्पत्ति ह्रास के नियम क्या होता है, एक अल्पकालिक नियम होता है जिसके जहां पर उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर कुछ में परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन में घटती दर पर वृद्धि होती है। तो मुख्य कारण क्या होता है, साधनों की सीमितता, ऑप्शन नंबर बी साधनों का अपूर्ण स्थानापन होना, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, उत्पत्ति की सीमितता और उत्पत्ति का अपूर्ण स्थानापन होना, इन दोनों ही कारण से जो है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वो कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। कौन सा समय है जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। जब आपने ये वाला चैप्टर पढ़ा और उत्पादन फलन दो प्रकार का बताया गया है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन, तब आपको समझ में आ गया। अगर ये आपको रिमांड में आता तो आप देख के ही बता सकते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही है। भाई अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल और तीनों, तीनों तो होगा नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। और आपने अति दीर्घकाल भी नहीं पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है अल्पकाल और दीर्घकाल, इन दोनों में से कोई एक है। तो मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए बता दूं कि अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन को ही परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि दीर्घकाल में समय अधिक होता है और इस स्थिति में उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। और हमारा क्वेश्चन भी यही है कि किस समय में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो ऐसे में हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सीमांत उत्पाद यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी वक्र होता है, कैसा होता है। तो सीमांत उत्पादन वक्र होता है यू आकार का, बी विपरीत यू यानी कि उल्टा यू आकार का, उल्टा यू को समझ में आते हैं इस तरीके का, ऊपर से नीचे ऊपर गिरता हुआ, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर, या इनमें से कोई नहीं। तो सीमांत उत्पादन के बारे में आपको बता दूं, उत्पादन पहले बढ़ता हुआ चला जाता है फिर घटता हुआ घट जाता है, तो बढ़ती हुई स्तर के कारण सीमांत उत्पाद भी पहले एक सीमा एक पहले बढ़ता है फिर ये नीचे की इस तरह गिरता हुआ होता है। तो ऐसे में सीमांत उत्पादन वक्र का जो आकार होता है ऑप्शन नंबर बी की तरह हो जाता है, यानी कि विपरीत यू की तरह होता है, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक परिवर्ती कारक की अधिक से अधिक इकाइयां, परिवर्ती कारक मतलब परिवर्ती मतलब परिवर्तनशील कारक, परिवर्तनशील कारक, और कारक मतलब क्या होता है साधन। जब एक परिवर्तनशील साधन की अधिक से अधिक इकाइयां स्थिर कारक के साथ संयोजित की जाती है तो संबंधित नियम को क्या कहा जाता है। किस नियम के अंतर्गत परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन को संयोजित करके चला जाता है। पहला,
परिवर्ती अनुपात का नियम, दूसरा पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम, पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम और पैमाने के समान प्रतिफल का नियम। अब इस चारों ऑप्शन को देख के थोड़ा दिमाग के जोर लगाइए। कहा गया है परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन, स्थिर कारक और परिवर्ती कारक। अब स्थिर कारक और परिवर्ती कारक तो तब होता है कब, अल्पकाल में, ठीक है ना। दीर्घकाल में सभी परिवर्तनशील होते हैं। और पैमाने के प्रतिफल का, पैमाने के प्रतिफल का कारक ये कौन सा होता है, दीर्घकालीन है। जब ये दीर्घकालीन अवधारणा है तो बचा क्या, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा परिवर्ती अनुपात का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। क्वेश्चन को सही आंसर पता करने के पहले जरूरी है कि आपको गलत आंसर पता कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर हमेशा सही होने के चांसेस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किसका है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ा है, ठीक है ना, ध्यान से सुना होगा, तो इसका आंसर भी पता होगा आपको। तो ऑप्शन दे रखा है मांग का नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम, पैमाने के प्रतिफल का नियम, मांग की लोच। तो दिमाग में जोर लगाइए, अगर जिनका जोर सही जगह पर जा रहा है वो अच्छी बात है। इसका राइट आंसर जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था दीर्घकालीन कौन सा है, पैमाने के प्रतिफलन की बढ़ते घटते समान, तो यहाँ पर भी वही आंसर होगा, पैमाने के प्रतिफल का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ हो जाता है, उसे कौन सा वक्र कहते हैं। जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होता है फिर घटना आरंभ कर देता है, वो कौन सा वक्र होता है इनमें से। ऑप्शन है एपी वक्र, यानी कि औसत उत्पत्ति वक्र, उत्पादन वक्र, एमपी सीमांत उत्पादन वक्र, टीपी कुल उत्पादन वक्र, या फिर ये सभी। तो मैं आपको बता दूं, उत्पादन की स्थिति में उत्पादन पहले बढ़ता है चाहे कोई भी उत्पादन हो, फिर स्थिर होता है फिर घटता है, यानी कि सभी ग्राफ का आकार इस तरीके से होता है। तो ऐसे में 7 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, सीमांत उत्पादन मतलब एमपी, जब हमारा एमपी ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उत्पाद की स्थिति क्या होती है, यानी कि तब हमारा टीपी पर क्या असर होता है। तो एमपी ऋणात्मक हो जाता है तो टीपी क्या होता है, ऑप्शन है घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें से कोई है ऑप्शन नंबर ए, एमपी के ऋणात्मक होने पर कुल उत्पादन की स्थिति घटती हुई होती है, घटती चली जाती है, ठीक है ना। यानी कि हमारा यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। परिवर्ती अनुपात यानी कि परिवर्तनशील अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन तब विद्वान होता है, परिवर्ती प्रकार का उत्पादन फलन कब विद्वान होता है। अगर आपके पास ये चार ऑप्शन दे रखे तो चारों में से कोई एक होगा। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, जब उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ कारक अनुपात में परिवर्तन होता है, यानी कि परिवर्तनशील कारक में परिवर्तन होने से उत्पादन के स्तर में ही परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी, जब परिवर्ती कारक के प्रयोग को बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाना संभव होता है, पर जाहिर सी बात है परिवर्ती कारक में बढ़ेगा तो उत्पादन में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट, जब उत्पादन के स्तर में परिवर्तन से उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन होता है, भाई उत्पादन का पैमाना आ गया भाई, यहाँ पर ये बात सही नहीं है, यहाँ पर ये दीर्घकालिक अवधारणा हो गया और ये दोनों अल्पकालीन हो गया, और यहाँ पर परिवर्तन अनुपात अल्पकाल से संबंधित होता है। तो ऐसे हमारा राइट आंसर ए और बी दोनों होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, दोनों ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। जब कुल उत्पाद 100 इकाइयां और परिवर्ती कारक की इकाइयां 4 है तो औसत उत्पाद क्या होगा, ए 25, बी 400, सी 96 और डी 104। अब थोड़ा सा इसको लॉजिकली मैं आपको समझाऊँ। कुल उत्पाद दिया हुआ है, यानी कि टीवी आपके पास दे रखा है 100। परिवर्ती कारक को हम यहाँ पर किसके रूप में लिखते हैं, परिवर्ती कारक को हम लेते हैं एल के रूप में, दैट इज 4। और आपसे पूछा गया औसत उत्पाद, तो यहाँ पर औसत उत्पाद यानी कि एपी का फार्मूला होता है टीपी अपॉन एल, यानी कि 100 अपॉन 4 इक्वल टू 25। तो जब 25 हो रहा है इसका आंसर, तो राइट आंसर इज ए।
ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आपसे औसत उत्पाद निकालने के लिए कहा जाता है, टीपी को परिवर्तित कारक की इकाइयों से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किससे सम्मिलित किया जाता है, इन जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से मौद्रिक लागत के अंतर्गत, मौद्रिक लागत यानी कि मनी कॉस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, मनी कॉस्ट। ऑप्शन है सामान्य लाभ, स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें, उपरोक्त सभी। और आपने अगर मनी लागत के बारे में पढ़ा है तो मनी लागत मतलब ऐसी लागत जहां पर जो है मुद्रा के रूप में खर्च होता है, व्यय किया जाता है, और मौद्रिक रूप में खर्च होना सामान्य लाभ भी होता है, स्पष्ट लागतें भी होती हैं, अस्पष्ट लागतें भी होती हैं। जब तीनों ही हैं इसका मतलब हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट है, उपरोक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से स्थिर लागत नहीं है, चारों में से कोई एक स्थिर लागत नहीं है, बीमे की प्रीमियम, आपको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रीमियम चुकाना पड़ेगा, आपके पास इनकम हो या ना हो, ब्याज, अगर आपने लोन लिया हुआ है, आपने कहीं से उधार लिया हुआ है, भाई आपकी इनकम ना इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देना ही पड़ेगा, कच्चे माल की लागत, यानी कि यहाँ पर कच्चा माल छूट गया लिखना, कच्चे माल की लागत। और नेक्स्ट है फैक्ट्री किराया, किराया भी इसी तरह से है, किराया आपको लाभ हो या ना हो देना पड़ेगा, यानी कि तीनों ऐसी स्थिति है जो हर हालत को देना पड़ेगा, उत्पादन हो या ना हो, बट कच्चे माल की लागत का निर्भर जो निर्भर होता है वो किस पर होता है, उत्पादन पर। जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी कच्चे माल की लागत भी बढ़ती चलेगी, उत्पादन में कमी होगी कच्चे माल की लागत भी कमी हो जाएगी, तो ऐसे में यहाँ पर कच्चे माल की लागत जो है स्थिर लागत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव, क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव किस पर पड़ता है, ऑप्शन है स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, केवल स्थिर लागतों पर पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। जब स्थिर और परिवर्तनशील लागत दोनों हो तो ध्यान में रखिएगा उत्पादन की मात्रा का प्रभाव हमेशा केवल और केवल परिवर्तनशील लागतों पर भी पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि चार फार्मूले दिख रहा है, इसमें से कोई एक फार्मूला ही सही है। पहला टीवीसी इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी, बी टीसी इक्वल टू टीवीसी माइनस टीएफसी, सी टीएफसी इक्वल टू टीवीसी प्लस टीसी, और डी टीसी इक्वल टू टीवीसी मल्टीप्लाई बाय टीएफसी। जिन्होंने सही तरीके से पढ़ा है फार्मूला, जिनको याद है वही इसका आंसर दे पाएगा। फिलहाल आप कहेंगे सर आप इतना बोल रहे हो, आप ही क्यों ना दे दीजिए, तो मैं अगर दूं उसका राइट आंसर है ए, टीवीसी इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी। कुल लागत में से कुल स्थिर लागत को घटाने के बाद ही कुल परिवर्तित लागत की गणना होती है, दैट इज राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीमांत लागत घटती है, सीमांत लागत मतलब एमसी घटती है, तब औसत लागत यानी कि एसी कैसी होगी। तो सीमांत लागत जब घटती है और औसत लागत पर क्या फर्क पड़ता है, ध्यान में रखिएगा, स्थिर रहती है, तेजी से गिरती है, तेजी से बढ़ती है, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा तेजी से गिरती है, सीमांत लागत के गिरने की स्थिति में औसत लागत उससे भी तेज गिरती है, दैट मीन्स हमारा राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप क्रय के लिए किया गया धन क्या कहलाता है। कच्चा माल खरीदना है, कच्चे माल के खरीदने के लिए हमने खर्च किया है, और जो खर्च किया होता है वो लागत का हिस्सा होता है, तो इसमें से कौन सा लागत सही है, वास्तविक लागत, पूरक लागत, कुल लागत या द्रव्यिक लागत। ठीक है ना, अगर आपको ये चीज़ ध्यान नहीं है तो कच्चे माल की किराए की लागत किस में आता है, तो ये होता है आपका द्रव्यिक लागत के अंतर्गत। द्रव्य खरीदा गया उत्पादन के लिए, इसलिए द्रव्यिक लागत के अंतर्गत इसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यह चित्र क्या प्रदर्शित करता है। यह चित्र देखिए, यह चित्र दिया हुआ है, लागत है, उत्पादन है, तो आपको ये बताना है कि यह चित्र क्या दर्शा रहा है। कुल स्थिर लागत यानी कि टीएफसी, कुल परिवर्तनशील लागत यानी कि टीवीसी, कुल लागत यानी कि टूसी, या इनमें से कोई नहीं। भाई कोई नहीं तो नहीं होगा, जब दिख रहा है कोई ना कोई तो होगा। कुल स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत उत्पादन अल्पकाल में हमेशा स्थिर रहती है, ऐसी बनेगी। कुल परिवर्तनशील लागत उत्पादन के साथ साथ बढ़ती हुई चली जाती है, और कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग होता है कि यहाँ से शुरू होता है, यानी कि इसमें से बचा कौन है, टीवीसी, कुल परिवर्तनशील लागत, यानी कि ये जो ग्राफ दिख रहा है आपका टीवीसी है,
कुल परिवर्तनशील लागत, तो बी इज अपर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, यानी कि अवसर लागत को और किस नाम से हम जानते हैं, आर्थिक लागत, संतुलन मूल्य, सीमांत लागत या औसत लागत। तो बिना कुछ बताए मैं डायरेक्ट बता दूं, अवसर लागत का एक और नाम आर्थिक लागत है, ऑप्शन नंबर ए। जब औसत लागत घट रही है, औसत लागत मीन्स ए सी, तो सीमांत लागत यानी कि एम सी औसत लागत की तुलना में कितनी होती है, कैसी होती है, यानी कि आपको बताना है ए सी और एम सी के बीच में तब क्या रिलेशन होता है। जब आपका ए सी घटता हुआ हो तो ऑप्शन दे रखा है तब एम सी ग्रेटर देन ए सी होगा, एम सी इक्वल टू ए सी होगा, एम सी इक्वल टू या स्मॉलर देन ए सी होगा, या एम सी नॉट इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है ना, जब औसत लागत घटती होती है एम सी ध्यान में रखिएगा छोटी, उससे कम भी हो सकती है, उससे बराबर भी हो सकती है, यानी कि दोनों कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर कैप्शन होता कौन कैसा होगा, तो राइट आंसर इज अवर सी, दैट इज एम सी स्मॉलर देन और इक्वल टू ए सी। क्वेश्चन नंबर 20, कुल उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की परिवर्तनशील लागत कैसी होती चली जाती है। अगर आपका कुल उत्पादन बढ़ रहा हो, टीपी बढ़ रहा हो, तो जाहिर सी बात है उत्पादन बढ़ रहा है तो उत्पादन के कारक भी बढ़ेंगे, और उत्पादन के कारक बढ़ेंगे तो परिवर्तनशील लागत कैसी होगी, बढ़ती जाती है, स्थिर रहती है, घटती जाती है, घटती बढ़ती रहती है। उत्पादन बढ़ाओगे तो भैया आपकी लागत भी बढ़ेगी, और लागत के बढ़ने का मतलब होता है आपने क्या लगाया, परिवर्तनशील लागत बढ़ाई, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि परिवर्तनशील लागत यानी कि जो भी लागत हो उत्पादन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है। अरे भाई अपना प्रोडक्शन बंद कर रहे हो तो कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ेगा, तो जानते हैं कौन सा प्रभाव पड़ता है। स्थिर लागतें बढ़ जाती हैं, स्थिर लागतें भाई उत्पादन के साथ उतनी ही रहती है जब तक दीर्घकाल में बढ़ाया ना जाए। परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती हैं, ये हो सकता है कि उत्पादन कम कर रहा प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन होता परिवर्तनशील लागतों पर असर पड़ेगा। परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है, देखना पड़ेगा दोनों ही परिवर्तनशील लागत के बारे में दे रखा है, और स्थिर लागतें शून्य हो जाती है भाई जब तक उत्पादन पूरा का पूरा एकदम प्रोडक्शन ही बंद ना आ जाए, फर्म ही बंद ना हो जाए, कंपनी ही बंद ना आए, तब तक तो स्थिर लागतें शून्य नहीं होगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना है, और ये भी नहीं होना है, इन दोनों से कोई एक होना है। तो मैं आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, उत्पादन बंद तो परिवर्तनशील लागत भी बंद, यानी कि यहाँ पर परिवर्तनशील लागत कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य है भाई, सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, चारों में से कोई एक ही है, ए सी इक्वल टू टी एफ सी माइनस टी बी सी। भाई ए सी कहा जा रहा है, और वैसे नॉर्मली हमने पढ़ा है ए सी इक्वल टू होता है टी सी डिवाइडेड बाई क्यू, इसमें से कोई नहीं दिख रहा है, ये तो नहीं होगा। ए सी इक्वल टू ए एफ सी प्लस टी बी सी, ये भी नहीं होगा। ए सी इक्वल टू टी एफ सी प्लस ए बी सी, ये भी नहीं होगा। लास्ट तरह का ए सी इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए बी सी, हमने भाई फार्मूला सुना था टी सी इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी बी सी, और यहाँ ए सी इक्वल टू ए एफ सी और ए बी सी, इसका हाफ, जब ये सही हो सकता है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी सही होगा, यानी कि सही होगा क्या, यही आंसर सबका सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, टॉप 22 क्वेश्चन मैंने बता दिया जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा होगा, और फायदेमंद है तो बने रहेगा मेरे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।